आज पूरे भारतवर्ष में वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है पूरे भारतवर्ष में। वहीं पर अगर हम ऑल रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अम्बेडकर चौक में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले 281 दिनों से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी साथ में आए हुए हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो महिला सशक्तिकरण जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं कि उनको सशक्त किया जाएगा, वहीं पर आप महिलाएं देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 281 दिनों से यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं। कोई नहीं इनकी सुनने के लिए आया। पिछले 281 दिनों से इनको कोई भी सैलरी नहीं दी गई। और होली का दिन था, आज भी कई जगहों पर होली मनाई जा रही है, कल भी होली सेलिब्रेट की गई। और भी कई सारे इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। मैम, होली का दिन था कल, आज भी कई जगहों पर होली मनाई जा रही है। और दूसरी तरफ बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो महिलाओं को सशक्त करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप आज यहाँ पर जिस तरह से पिछले 281 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन के लिए? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आपको लगता है कि कहीं वुमेन एम्पावरमेंट है? अगर वुमेन एम्पावरमेंट होता तो इन महिलाओं को 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर रास्ते पे बैठी, ये रास्ता ही है ना, रास्ते पे बैठे हुए बच्चों के साथ। तो क्या अगर वुमेन एम्पावरमेंट कहीं होता तो महिलाओं को 9 महीने लग जाते कोई उनकी बात की सुनवाई होने में, उनके राइट्स उनको मिलने में? तो आज बहुत हमारी जो वुमेन हैं उनको सम्मानित किया जा रहा होगा, अप्रिशिएट किया जा रहा होगा, जगह जगह इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स गए होंगे उनको सम्मानित करने। तो लेकिन वही महिला जिनको सम्मानित किया जाता है, वही महिला अगर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है तो फिर उन पर लाठीचार्ज भी किया जाता है, उनको सड़कों पर रास्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे दिन को मनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता ज़्यादा, क्योंकि जब ये चीज़ें सिर्फ किताबी रह गई हैं, सिर्फ साल के बाद ह्यूमन राइट्स डे मना लिया, वुमेन्स डे मना लिया, दूसरा दिन मना लिया, तीसरा मना लिया, तो फिर इसके फायदे क्या हैं? सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए किया, ये दिखावा है। अगर ग्राउंड रियलिटी मैं कहूँगी कि मुझे भी पहले ये लगता था कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन 9 महीने के इस अपने संघर्ष में कहते हैं कि हमने पाया कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला हमें, लेकिन सीख हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। सीख मैंने बहुत ली है इस संघर्ष से कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो मरो, लेकिन फिर भी जो अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। आज़ादी के बाद भी लोग संघर्ष कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी लोगों ने संघर्ष किया, आज भी अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के लिए भी आज लड़ना पड़ता है। वो अधिकार, राइट टू लाइफ, कहाँ गया वो राइट टू लाइफ? उसी के लिए हम बैठे थे ना यहाँ पर। जब एक महिला को, स्कूल शिक्षक को स्कूल के अंदर जाकर मार दिया जाता है, दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, तो 9 महीने के बाद उसका स्कूल का जो नाम है, उसके स्कूल, अभी उसके स्कूल का नाम जो है रजनी बाला के नाम से हो, 9 महीने के बाद, तो क्या होगा? मरते जाएंगे, दफ्तरों के स्कूलों के नाम हमारे नामों से होते जाएंगे, इससे क्या होगा? इससे हम मशहूर हो जाएंगे कि हाँ भाई इन्होंने कुर्बानी दी थी, पीछे हमारे बच्चे रोते रहेंगे। रजनी बाला की सैलरी अभी तक नहीं निकली, हमारी सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई, तो कहाँ है ये दिन जो हम मनाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, राइट टू लाइफ बच्चों को हम पढ़ाते पढ़ाते मर गए आज तक, लेकिन लगता है कि हमने गलत ही पढ़ाया। कहाँ है वो संविधानिक अधिकार? फिर रखने ही नहीं चाहिए संविधान में, सबसे प्राइम आर्टिकल माना जाता है राइट टू लाइफ, तो जब उसकी ही वायलेशन 9 महीने से, इन बच्चों का अधिकार है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, कहाँ है इनके अधिकार? फिर क्यों रखे हुए हैं ये संविधानिक अधिकार संविधान में? मैम, लगातार वहाँ पर आतंकवादी जो हैं ढूंढे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, क्या सरकार को फिर भी नहीं लगता कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करनी चाहिए? क्योंकि कल ही जो है 2 आतंकवादी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो वहाँ से उनको पकड़ा गया है, उनके पास से काफ़ी हथियार जो है वो भी बरामद किए गए हैं, फिर क्यों सरकार आपकी नहीं बात सुन रही? अगर सरकार के पास पूरे सबूत हैं, उनके पता है कि वहाँ पर जो है मिलिटेंसी अभी भी है, आतंकवादी अभी पकड़े जा रहे हैं, क्यों नहीं फिर ट्रांसफर, क्या कारण है? सर, सरकार को सब कुछ पता है, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ जानती है, एक एक एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, हमारा भी पता है कितना लंबे समय हो गया है, और हमारा ये भी पता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता, कश्मीर के अंदर भी बच्चे बच्चे को पता है कि इन लोगों के पास वहां रहने के लिए गवर्नमेंट का छत नहीं है। आज की परिस्थिति में चाहे हम दबाव में जाएं, चाहे खुशी से जाएं, लेकिन रहना कहाँ है? फुटपाथ पे,
इन बहनों को कहाँ रहना है, वुमेन्स डे है ना, इन बहनों को अपने दो दो बच्चों के साथ, दो दो बच्चे हैं हमारे साथ, दो दो बच्चों के साथ हमें फुटपाथ पे रहना है, फिर हमें अपना लिविंग ऑर्डर पकड़ना है, फिर हमें अपनी ड्यूटी जो है रिज्यूम करनी है, फिर सैलरी निकालनी है, ड्यूटी देनी है फुटपाथ पे रहकर। तो वुड यू बिलीव कि आप इतने बड़े बड़े दिन मनाते हो। बाकी बातें रही, आपने कहा कि वहाँ पर मिलिटेंसी है या ये है कुछ है, तो इनके साथ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इनका मुकाबला नहीं करना है, जो कुर्सी पे बैठे उनको नहीं लड़ना, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, लेकिन शहीदों के साथ कौन खड़ा रहेगा, जो जिंदा लोग हैं उनके साथ कौन खड़ा रहेगा, उनके साथ हमारे जो सेना के नौजवान हैं उनको खड़े नहीं रहना, उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा हमारी देश की सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर की। क्या वो आप शहीदों के परिवार के साथ खड़े रहते हैं? अगर शहीदों के परिवार के साथ खड़े रहते तो 9 महीने नहीं लगते मैडम के नाम से स्कूल का नाम बनने में, 9 महीने नहीं लगते इन लोगों को यहाँ बैठे हुए। ये भी तो लोग यही चीज कह रहे हैं ना कि कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है, इस समय हम वहाँ नहीं जा सकते। और रही ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात, तो वो डिमांड हमारी आज की नहीं है, ये 15 साल की बीमारी है। जब से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है तब से हमारी ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की डिमांड है। और हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, मैं कहती हूँ उस समय की सरकार का बहुत अच्छा कदम था, उन्होंने हमें रोजगार दिया। आज की सरकार तो डबल इंजन की सरकार, इसको आप मीडिया भाइयों के मुंह से हम सुनते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो भाई आप अपना परिमाण दें ना डबल इंजन की सरकार का, बनाइए हमारे लिए। आपके पास इतनी अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, इतने अच्छे आपके पास एडवोकेट्स हैं, इतनी अच्छी ज्यूडिशरी है आपके पास, तो बनाइए हमारे लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ऐसी कौन सी बीमारी है, मर्ज है, जिसका आज इलाज नहीं है? ये तो एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, तो इसको बनाइए। अभी तो आपने यूटी बना दी है, पहले ये एक स्टेट थी, अब यूटी बनने के बाद अगर आप सर्विस रूल देखोगे तो ओपन में हमारी वैकेंसीज निकलती हैं, ओपन में रिक्रूटमेंट होती है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने में क्या हर्ज है? यहाँ के ऐसी पॉलिसी बनाइए जो कश्मीर के लोग यहाँ सर्विस कर रहे हैं ज्यादा समय से, उनको भी अपने घर को वापसी होगी, जो हमारे लोग वहाँ सर्विस कर रहे हैं उनकी भी अपने घर को एक दिन वापसी होगी। हमारे भाई देश में तो विदेश के लोगों को लाकर यहाँ शरणार्थियों को बसाया जाता है, गले से लगाया जाता है, विदेश के देश शरणार्थी जो किसी भी कंडीशंस के अंदर, किसी भी क्लाइमेटिस नेचुरल हो चाहे कुछ भी हो, तो आते हैं तो उनको गले से लगाया जाता है। ये तो आपके अपने लोग हैं, ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। क्या हमारा, हम राष्ट्र के निर्माण में कहीं सहायक नहीं है भैया? हमने 15 साल डिपार्टमेंट को दे दिए, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने क्या राष्ट्र के निर्माण में हमने कहीं पर भी हम सहायक नहीं है? कहीं पर हम अपने समाज में कहीं लाई नहीं कर रहे हैं? हम भी पूछना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या ये पूरा समाज जो है 9 महीने से इनके पास एक कमेटी है, हेडलेस कमेटी। अगर हम कश्मीर में आज जाते हैं भाई, हमारा मजाक इतना उड़ाया जाएगा, हमें ये कहा जाएगा क्या किया आपकी सरकार ने, क्या किया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने? ये पढ़ा लिखा समाज है जो 9 महीने से आपकी कमेटी देख रहा है। अब कमेटी छोड़िए, आप खुद, आप एलजी सर ट्रांसफर पॉलिसी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन अपने साइन कर पब्लिक डोमेन में रखिए। हमें किसी के हाथ की ट्रांसफर पॉलिसी, हमें आपके हाथ की ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, और आपके मुंह से हमें कुछ अल्फाज चाहिए जो इन कर्मचारियों को इस समय एक राहत दे सके। तो आपने 26 जनवरी जिस दिन देश पूरा गणतंत्र दिवस मना रहा था और राष्ट्रीय झंडे को फहराकर उसको आपने सलामी देकर झंडे के नीचे खड़े होकर आपने दूसरी बार फिर आपने कहा कि मैंने जो जम्मू बेस्ड भाई बहनों से वादा किया है मैं पूरा करूंगा। आपने भाई बहन कहा है, मैं आपको अपना बाप कहती हूँ कि आप जिस उम्र में हो आप हमारे बाप के समान हो। आप सोचिए कि ये आपके बच्चे हैं, तो आपको इनको बच्चों की नजरों से देखना है कि इन बच्चों के पास वहां रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। जोर जबरदस्ती करके बेच दोगे, चले भी जाएंगे हो सकता है, लेकिन अगर चले जाएंगे बाद में क्या होगा? पहले लाशें जो थी 15-20 दिन के बाद आ रही थी, अब रोजाना आएंगी। फिर हमारे भी बहुत समाज है ना, हमारी भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, डोगरा समाज पूरा जड़ा है। आप मीडिया भाई इस चीज का सबूत हो कि ये लोग मीडिया में चिल्लाते रहे, कल को हो सकता है मैं ही वहां जाऊं, मेरी ही डेड बॉडी आ जाए, लेकिन मैं ये बात आज मीडिया के चैनल के माध्यम से, आज वुमेन डे है, मैं भी एक बहुत बड़ी बात कहकर जाती हूं कि अगर मैं इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स में आकर कश्मीर में मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, अगर मेरे साथ कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, मैं इन बहनों की बात नहीं कर रही हूं, मैं अपनी अकेली बात करूंगी, मेरी लाश को तब तक आग नहीं दी जाएगी जब तक मेरी
ट्रांसफर पॉलिसी, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी, मेरे समाज की ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। एलजी सर, मेरी आँख को मैं अपने परिवार को भी कह के जाऊंगी, यार मीडिया भाई सबूत हो इस चीज का, इस बाइट को संभाल के रखना, अगर मेरे साथ कुछ हुआ मेरी लाश को तब तक आग नहीं दी जाएगी। ये एक आज वुमेन्स डे पर एक महिला का आपसे वादा है कि तब तक मेरे शव को आग ना दी जाए जब तक मेरे समाज की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी। हमारी डिमांड 15 साल की है, ये मरने के बाद भी रहेगी, जब तक जिंदा है तब भी रहेगी। आप हमारी इस डिमांड को खत्म नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफर पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि हम लोग वहां के रहने वाले नहीं हैं, हम डोगरा एम्प्लॉयज हैं, हमारा घर बार माँ बाप रिश्तेदार सब यहां का है, हमारी भाषा यहां की है, हमारा सब कुछ यहां का है। हमने कश्मीर में 15 साल दिए काम किया, खुशी से किया, वहां के लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी ने हमारी बाखूबी मदद की, आज भी करने के लिए तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, वहां के आम लोगों की क्या हैसियत है कि वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे? आप जब हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप हमें इस तरह से बाहर भेज नहीं सकते। इस समय सबसे बड़ी बात यह है मान सम्मान की, कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर नहीं जाएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, 5 साल का टाइम हमने रखा है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जो कर्मचारी पॉलिसी के अंदर आएंगे उनको यहाँ लाइए, जो नहीं आएंगे उनको वहाँ सिक्योरिटी और एकोमोडेशन दे दीजिए। बस इतनी सी बात है हमारी, इतनी सी फरियाद है आज के दिन की। आप एलजी सर सुन लीजिए प्लीज, आज बहुत लंबा अरसा हो गया, अगर सच में आप वुमेन्स डे मना रहे हो, जम्मू कश्मीर में जाकर आपने बहुत सी महिलाओं को सम्मानित किया होगा, तो आज ये महिला भी आपको कहती है जो 9 महीने से यहाँ धरने पे बैठी है कि एलजी सर हमारी ट्रांसफर पॉलिसी आज आप लागू कीजिए, हम कल, मैं कहती हूँ मैंने अपना बैग पैक रखा है, आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, मैं सुबह कश्मीर जाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। साफ तौर पर इनकी आवाज सुनी, जिस तरह से इनका कहना था कि जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में आज महिला सशक्तिकरण जो है दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वहीं पर आज महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। वहीं पर होली का त्यौहार भी है, कल भी होली का त्यौहार मनाया गया, आज भी होली जो है सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनके द्वारा किस तरह से होली सेलिब्रेट की जा रही है धरना प्रदर्शन करके सरकार को जगाने के लिए, और ये जहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 281 दिनों से। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ इनकी डिमांड्स को जल्द से जल्द सुने, ताकि ये भी अपनी फैमिली के साथ घर पे जाएं या फिर काम पर वापस लौट सकें, और जिस तरह से इनको पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं दी जा सकी, किस तरह से अपने घर का गुजारा करेंगे। तो मैं एक बार फिर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनके मसलों का जो है वो हल कीजिए। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।